क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? GBSS मीत नगर। GBSS मीत नगर, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8th स्टैंडर्ड। अच्छा, आपके स्कूल में हैप्पीनेस क्लास होती है? हाँ। तो आप हमें बताएंगे आपकी हैप्पीनेस क्लास में आपको क्या कराया जाता है? डे वाइज होता है, एक दिन कहानी स्टोरी पढ़ाते हैं और एक दिन एक्टिविटीज़ कराते हैं और मेडिटेशन करने को कहते हैं। अच्छा, तो एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं आपसे? भागना, क्लासों में बोतल उठा के एक जगह रखना, ऐसे ही सामान देना, किसी को पास करना। तो आपको हैप्पीनेस क्लास अच्छी लगती है? हाँ। तो आपको लगता है हैप्पीनेस क्लास से जो स्ट्रेस कम करने के लिए शुरू की गई है तो स्ट्रेस कम होता है? हाँ, होता है, पढ़ाई में भी मन लगता है फिर उससे करने के बाद। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? वॉलीबॉल। अच्छा, और मोबाइल में भी गेम खेलते हैं? नहीं। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में आप गेम नहीं खेलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी कोरोना की वजह से 1.5 साल से सब कुछ बंद है, एक तरीके से छुट्टियां ही चल रही हैं, तो आपको ये छुट्टी पसंद है या स्कूल में जो 2 महीने की समर वेकेशंस पड़ती थी वो पसंद? समर वेकेशंस बहुत अच्छी लगती है, इसमें तो पढ़ाई नहीं हो रही ज़्यादातर, बस स्कूल से काम आ जाता है वो कर लेते हैं। अच्छा, तो उन समर वेकेशंस में आप क्या करते थे? उसमें एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी, उसमें भी चले जाते थे, समर वेकेशन में घर पे काम आता था वही करते थे। और घूमने उमने भी जाते थे कहीं पे? नहीं। अच्छा, कहीं छुट्टियों में जाते नहीं थे इधर उधर, नानी के घर? छुट्टियों में हाँ, वो तो चले जाते हैं बुआ के यहाँ। अच्छा, और आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है, जो हमारा पर्यावरण है इस समय? हाँ। दिल्ली का? हाँ। उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, पता है, अब गाड़ी चलती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है दिल्ली में। हाँ जी, तो इनको दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे आप हमको? हाँ, है, ज़्यादातर बैटरी वाली गाड़ियाँ चलानी चाहिए और ज़्यादातर अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए गाड़ी का, धुआं वो पोल्यूशन ना निकले ज़्यादा। हाँ बस। और हमें पेड़ लगाने चाहिए? हाँ, पेड़ तो लगाने चाहिए, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ओके। है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपने कभी पेड़ लगाया आज तक? हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ हैं। अच्छा, आपने खुद भी कभी एक ट्री को प्लांट किया कभी? हाँ, प्राय ग्रो भी हो रहा है वो तो। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? टेंट वाले गुटकलपुर स्कूल में। अच्छा, तो आपकी हैप्पीनेस क्लास होती है क्या वहाँ पे? यस। तो आपको हैप्पीनेस क्लास में क्या पढ़ाते हैं? बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं हमसे, ये वो पूछते हैं कि योगा वोगा करवाते हैं हमसे और बस यही सब। अच्छा, तो योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं? हाँ। कहानियाँ भी सुनाते हैं वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो आपको हैप्पीनेस क्लास अच्छी लगती है? हाँ। उसको लेने में मज़ा आता है आपको? यस। अच्छी, और पूछते हैं, जो आपकी छुट्टियाँ पड़ती थी 2 महीने की स्कूल में, समर वेकेशन, आपको वो अच्छी लगती हैं या जो अभी कोरोना में इतने टाइम से सब बंद पड़ा हुआ है ये वाली छुट्टी अच्छी लग रही है? जो समर वेकेशन में पड़ती थी वो अच्छी लगती है। तो आप उसमें क्या क्या करते थे समर वेकेशन में? उसमें जो गर्मियों का काम, छुट्टियों का काम आता था वो पहले करते थे, फिर नानी के जाता था फिर वहाँ। अच्छा, तो नानी का घर कहाँ है आपकी? वो है एटा में, घर के पास। अच्छा, एटा में। तो आपको वहाँ नानी के यहाँ पे मज़ा आता था? हाँ। आपको ये पता है नानी के यहाँ पे हवा ज़्यादा अच्छी है या दिल्ली में हवा ज़्यादा अच्छी है? नानी के। तो दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है ना? हाँ। तो आपको पता है इस हवा को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, और इसको शुद्ध करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, वो आपके टीचर बताते हैं आपको? क्या है बताएं? ये सैनिटाइजर लगाएं, घर से बाहर ना जाएं, 2 गज की दूरी रखें। और मैं बताता हूँ, और हमें ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हाँ। और पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पेड़ पौधे लगाते हो? यस। आपने अभी तक कितने पेड़ पौधे लगाए हैं? हमने गांव में बहुत सारे लगाए थे, यहाँ पे भी लगाए। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, अब आप आगे भी ऐसे ही पेड़ लगाते रहना, ठीक है? अब मैं आपको एक बुक दूंगा पढ़ने के लिए। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गोकलपुर वाले में। अच्छा, तो और कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में हो, बड़ी बात। अच्छा, एक बात बताओ, आपके स्कूल में हैप्पीनेस क्लास होती है, तो उस हैप्पीनेस क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है कि हम कैसे वो अच्छे वो हो रहते हैं, कि कैसे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, उसमें आपको कहानियाँ भी सुनाते हैं वो लोग? हाँ। और बहुत सारी एक्टिविटी भी कराते हैं, गेम भी खिलाते हैं? गेम, हाँ। अच्छा, कोई एक गेम बताओगे जो आपको याद है खिलाते हैं जो? हाँ, एक बार वो खिलाया था कैरम।
कैरम बोर्ड। तो आपको कैरम बोर्ड अच्छा लगता है खेलना? हाँ। आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैसे? वैसे मेरा फेवरेट गेम है लूडो। लूडो, अच्छा। और बाहर जब आप अभी पार्क में खेलने जाते हो तो पार्क में कौन सा खेल खेलना पसंद है आपको? पार्क में मेरे को जैसे रेस लगाना या फिर किसी के साथ वो खेलना, कुछ कोई सा गेम। अच्छा, पकड़म पकड़ाई खेलते हो? हाँ। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दौड़ना आपको पसंद है। हाँ। अच्छा, तो आपकी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी, तो जो ऑनलाइन क्लास होती थी वो लेने में आपको मजा आता था? हाँ। या फिर जब आप स्कूल जाके पढ़ते थे उसमें ज्यादा मजा आता था? मुझे वैसे सबसे ज्यादा मजा स्कूल जाने में आता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में तो कुछ बच्चे शैतानियाँ भी करते हैं। और आपके दोस्त भी तो मिलते हैं वहाँ पे जाते हो जब स्कूल? हाँ। दोस्तों की याद आती है आपको? नहीं आती? आप अच्छे दोस्त नहीं है क्या आपके? नहीं। अच्छा चलो, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो अभी इतने टाइम से छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं 1.5 साल से कोविड की वजह से, आपको ये अच्छी लग रही हैं? नहीं। या अब जो स्कूल में 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी वो अच्छी लगती हैं? वैसे तो मेरे को वो लगती हैं जो वो स्कूल में जाते हैं, 1-2 दिन की अच्छी लगती है बस। अच्छा अच्छा, ऐसे छुट्टी होती थी तो कहीं घूमने जाते थे आप? नहीं। अच्छा, तो आपको ये पता है दिल्ली की हवा इस समय बहुत ख़राब है? हाँ। तो आपके टीचर बताते हैं इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताएंगे आप हमें भी प्लीज़? हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाए तो क्या कहते हैं वो होना चाहिए ज़रूरी काम। हाँ, और हमें पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ। है ना? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बहुत सारी नॉलेज है, हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? प्रिंस। और आपका? चेतन। आप दोनों की हैप्पीनेस क्लास होती है क्या? नहीं, नहीं होती। कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं शिमी मोहल्ले से ट्रांसफ़र होके इसमें गवर्नमेंट स्कूल पीछे सेकेंडरी स्कूल में आ गया। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपकी किसी की हैप्पीनेस क्लास आज तक नहीं हुई? अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो ऑनलाइन क्लास होती है ये आप लोगों ने ली है? हाँ जी, ली है। तो ऑनलाइन क्लास में क्या कराते थे आप बताएंगे? मतलब क्लासेस वगैरह ऑनलाइन होती हैं, बट ये नहीं कि मतलब प्रॉपर तरीके से कि टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस काम वगैरह आता था भेजो या मत भेजो, आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा ही होता? वर्कली मतलब काम हम दे रहे स्कूल में। अच्छा, तो मतलब सिर्फ वर्कशीट आ जाती थी उसको भर के आप अपने टीचर को वापस भेज दो, इतना ही होता था। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कोविड की वजह से 1.5 साल हो गया स्कूल बंद हुए हुए, तो ये 1.5 साल आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या स्कूल में जो समर वेकेशंस 2 महीने की होती थी वो अच्छी लगती हैं? समर वेकेशंस अच्छी लगती हैं आपको? यस। दोनों को समर वेकेशंस अच्छी लगती। अच्छा, आप समर वेकेशंस में क्या क्या करते थे कुछ बताओगे? मेरा तो ऐसा होता था मतलब कभी एडमिशन लिया समर वेकेशन में, कभी नहीं लिया, तो इस वजह से कुछ नहीं, मैं डांस वगैरह क्लासेस ओनली। घूमने जाते थे कहीं समर वेकेशंस में? नहीं। नानी के यहाँ कहीं गाँव वाँव या कहीं और घूमने? नहीं। अच्छा, कहीं नहीं जाते थे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है अभी बहुत ख़राब है, मालूम है आपको? हाँ जी मालूम है। कौन? तो आपको ये पता है कि इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेफ्टी देखो, अपने हाथ में है, जितनी सेफ्टी खुद करोगे वो ज़्यादा बेटर है। तो चलो, अच्छा मैं ना आपको 2 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बताता हूँ, आप लोग फॉलो करना उनको, ठीक है? एक तो पॉलीथीन पॉली बैग्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वो तो हाँ, वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है? वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अगर आप पॉलीथीन कहीं गाड़ दोगे ना तो 200 साल बाद भी आप उसको निकालोगे वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई वो नहीं होता, है ना? और दूसरा काम, हमें पेड़ लगाने चाहिए। आपने लगाई हैं? हाँ जी, घर पे हैं बहुत सारे, काफ़ी बाहर स्कूल में भी वगैरह होते हैं तो लगा देते हैं। अच्छा, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी लगाते रहना। देखो अब यहाँ इतने सारे पेड़ है ना तो हवा अच्छी है, पर आप रोड पे जाओ तो देखो हवा कितनी हार्मफुल रहती है ना, पॉल्यूशन बहुत है। तो अब आप पॉलीथीन का इस्तेमाल तो नहीं करोगे कोई भी? नहीं। पक्का ना? हाँ जी। और पेड़ लगाना और बहुत सारे, ठीक है? थैंक यू। तो हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी और उनसे बात करके हमें पता लगा कि बच्चों को हैप्पीनेस क्लास बहुत अच्छी लगती है, इसमें उनको बहुत मज़ा आता है। और जहाँ तक है, बच्चों को ऑब्वियसली समर वेकेशन ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें वो बहुत घूमने जाते हैं और इधर उधर अपनी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि अभी स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब देखते हैं आगे, और भी बच्चों से बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद हम देखते हैं हम और किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।